हम जो बेसिकली अगले 4 दिन में करने वाले हैं, एक एक लेवल पे हारमोनी का स्वरूप क्या है, एक एक लेवल पे हारमोनी को समझने का काम करेंगे कि इंडिविजुअल के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है, फिर जो है फैमिली के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है, सोसाइटी के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है, और नेचर के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जो पूरा दिन हम लोग फोकस करेंगे, ये तो हम अपने आप में कैसे हारमोनी में जी सकते हैं इसकी बात करेंगे। और बार बार हम लोग यही बात कह रहे हैं कि ये सब जो बात हो रही है, ये प्रपोजल है, इसको मानना नहीं है कि ये ठीक है, इसको ये भी नहीं मानना कि ये गलत है, बल्कि इसका वेरिफिकेशन करना है। और अगर उसका प्रोसेस देखने जाएंगे तो उसका प्रोसेस है अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करना। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में एक क्वेश्चन भी आ रहा था मॉर्निंग में कि नेचुरल एक्सेप्टेंस से हम लोग जांच रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा? तो हम अपने आप से पूछकर देखें कि मुझे क्या सहज स्वीकार है, रिलेशनशिप में जीना, रिलेशनशिप के साथ जीना, या अपोजिशन की फीलिंग के साथ जीना, है ना? इस बात को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, अपने अंदर जांचने जाते हैं, तो ये बात ध्यान में आती है कि मैं तो रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ ही जीना चाहता हूँ। ये जो जीने की चाहना है रिलेशनशिप में जीने के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस से निकल कर आती है कि नेचुरली तो हम रिलेशनशिप चाहते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए पूछा था कि क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, नेचर को नर्चर करना या नेचर को एक्सप्लॉइट करना? तो क्या आंसर आ रहा था? नेचर को नर्चर करना। और भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के हिसाब से, नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने के हिसाब से हम अपने अंदर पूछ सकते हैं। जैसे मैं ट्रस्ट के साथ जीना चाहता हूँ रिलेशनशिप में अपने परिवार में, या मैं अपने परिवार में ही डाउट के साथ जीना चाहता हूँ। तो ठीक से देखें तो मेरी जो चाहना है, मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो तो विश्वास की फीलिंग के साथ जीने की है। लेकिन आज सभी घरों में विश्वास के साथ जिया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर हैं जिसमें विश्वास के साथ भी लोग जीते हैं, बहुत सारे घरों में डाउट के साथ भी जीते हैं। तो अगर ठीक से देखें, नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर हम समझ लें, तो एक बहुत बड़ा आराम ये आ सकता है, अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने लग जाएं, तो फिर हम अपने जीने से मैपिंग कर सकते हैं कि चाहना जो मेरी है, मैं उसी के अर्थ में जी रहा हूँ या मैं अदरवाइज जी रहा हूँ। जैसे मैं चाहता तो नेचर को नर्चर करना हूँ, पर मैं नेचर को नर्चर करने के अर्थ में जी रहा हूँ या नेचर का कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ? चाहता तो मैं संबंध में जीने के अर्थ में हूँ, क्या मैं संबंध में जीने के अर्थ में ही जीता हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं अपोजिशन के साथ जीता हूँ, अब जेलसी के साथ जीता हूँ, डिसरिस्पेक्ट के साथ जीता हूँ? तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे जांच के देखना है। लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस में जांचना ये एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने जीने में इसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि ये जितनी भी बात हो रही है, ये जीने सेंट्रिक है, जीने के अर्थ में ये सारी बात हो रही है। तो जीने में इम्प्रूवमेंट हो जाए, जीने में बेटरमेंट हो जाए, जीने में हारमोनी हो जाए, इसको फोकस कर रहे हैं। तो एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करना, दूसरा उसको जी कर देखना। तो जीने की जगह अगर हम देखें, तो बाहर तो जीने की जगह दो है, दूसरे ह्यूमंस के साथ जीना और नेचर के साथ जीना। तो जब भी किसी प्रपोजल को हम सुनते हैं, उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे जांचते हैं, जब हम उसको दूसरे ह्यूमंस के साथ जी कर देखते हैं, और अगर उसका आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है, तो फिर वो प्रपोजल हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, तो वो प्रपोजल ठीक है, तो वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बन गया। अगर हम नेचर के साथ जी कर देखते हैं और उसका आउटकम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आता है, तो फिर वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बन गया। तो जैसे नेचर के साथ जीने में अगर म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हो रहा है, यानी हमारे घर में भी सुविधाएं आ रही हैं और नेचर भी बना रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर फार्मिंग के मेथड्स को देखने जाएं, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे देखने जाएं, तो नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? को एग्जिस्ट करना, नेचर को नर्चर करना। तो अगर हम इस तरह के फार्मिंग मेथड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं जिससे नेचर भी नर्चर हो और हमारे भी परिवार में प्रोस्पेरिटी हो जाए, तो वो मेथड ठीक है। आज के दिन हम देख सकते हैं कि आज के दिन कौन सा मेथड डिप्लॉय किया जा रहा है और उससे नेचर नर्चर हो रहा है या नेचर एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसी तरह से देखें, नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि मैं ट्रस्ट की फीलिंग के साथ जीऊँ, लेकिन मैं आज के दिन परिवारों में, कॉलेजों में, समाज में ट्रस्ट के साथ जीना हो रहा है या डाउट बना हुआ है? तो ठीक से देखें तो म्यूचुअल हैप्पीनेस हो रही है या नहीं हो रही, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हो रही है नहीं हो रही? तो अगर नहीं हो रही, तो फिर वो प्रपोजल रिजेक्टेबल है, वो प्रपोजल सभी के लिए नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो समझने का प्रोसेस है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है, वो तो ये बात है कि हम जिस बात को भी सुनते हैं, वो हमारे लिए एक प्रपोजल है, उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करना है और उसको जी कर देखना है। दूसरे ह्यूमंस के साथ जीना है और नेचर के साथ जीना है। ह्यूमन के साथ जीने जाते हैं, अगर उसका आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है, तो वो प्रपोजल हमारी समझ बन जाता है। नेचर के साथ जीने जाते हैं और उसका आउटकम अगर म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आता है, तो वो हमारी समझ बन जाता है।
तो ये प्रोसेस ज्यादा ठीक है या फिर डूज एंड डोंट्स का प्रोसेस ठीक है, शुड एंड शुड नॉट का प्रोसेस ठीक है, तो क्या किया जाए शिक्षा में, अपने परिवार में क्या किया जाए? हम बच्चों को डूज एंड डोंट्स बताएं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आदेश दें, उपदेश दें, या उनको जो है हम प्रपोजल दें और उनको सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दें और उनको स्पेस दें। तो अगर ठीक से देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस तो वही नेचुरली एक्सेप्टेबल है जिसमें हम एक्सप्लोर कर सकें, है ना, जिसमें हम जांच के देख सकें कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे परिवार के लिए क्या ठीक है, इस पूरे समाज और कुदरत के लिए क्या ठीक है ना। तो हम एजुकेशन में भी देख सकते हैं, आज हम बच्चों को प्रपोजल देते हैं या आज कहीं ना कहीं हम बच्चों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये मान लो कि यही ठीक है, तुम ये मान लो कि तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि हम बुजुर्ग भी करते थे, हमारे भी दादा दादी करते थे, हम भी यही करते थे। तो ठीक से देखें तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ठीक है या प्रोसेस ऑफ डूज एंड डोंट्स ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ी आज जांच परख कर सकते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट है, विच प्रोसेस इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन योर ओन राइट लीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग इन योर सेल्फ, और ए प्रोसेस ऑफ डूज एंड डोंट्स इन विच यू एज्यूम वॉट इज सेड विदाउट वेरिफिकेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जांच परख करने का अवसर हो या जिसमें जो है हमको मनवाया जाए, जिसमें हमको डूज एंड डोंट्स बताए जाएं, जिसमें शुड एंड शुड नॉट बताए जाएं, ये आप थोड़ा अपने लिए देखिए कि आपके लिए क्या ठीक है। तो इसकी जांच परख की जाए, है ना, और अपने तो काफी लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस भी ठीक है, क्योंकि अगर हमको ही कोई इम्पोज करे तो वो हमको भी स्वीकार नहीं होता। तो हम ये ठीक से देख सकते हैं कि आज हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम उनको प्रस्ताव देते हैं, उनको जांचने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, या हम उनको यही कहते हैं कि तुम ये मान लो, है ना, यही ठीक है, क्योंकि हम बड़े हैं, हम कह रहे हैं। तो इस बात को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या ठीक है। अगर आप सुख को देखने जाएं, हम लोग सुख की बात कर रहे थे, हम लोगों ने ये बात की जो फंडामेंटल एस्पिरेशन है, जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, वो तो सुख है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सुख है क्या, है ना, तो सुख को समझना जरूरी है। तो सुख के बारे में यहाँ बात हम लोग कह रहे हैं कि सुख का मतलब है ऐसी स्टेट और सिचुएशन जिसमें मैं जीता हूं, अगर उसमें हार्मनी है, अगर उसमें सिनर्जी है, तो ऐसा जीना मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है। ऐसी स्टेट में जीना जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ये हैप्पीनेस है। तो अगर हैप्पीनेस को समझने जाए तो हैप्पीनेस का मतलब है टू बी इन हार्मनी। इसका मतलब क्या है? हार्मनी बिटवीन व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। तो जैसे उदाहरण के लिए मुझे कैसा जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो उसका एक स्वाभाविक उत्तर मिलता है रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ। तो अब मैं ये देखूं कि मेरे विचारों में कितना समय रिलेशनशिप का भाव चलता है और कितना समय मेरे विचारों में, मेरी फीलिंग में अपोजिशन बनी रहती है, कितना समय मेरे भावों में, मेरे विचारों में ट्रस्ट की फीलिंग बनी रहती है, रिस्पेक्ट की फीलिंग बनी रहती है, कितना समय मेरे विचारों में और मेरे भाव में डिसरिस्पेक्ट बनी रहती है, डाउट बना रहता है। तो सुख का मतलब इतना ही है कि जो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, मेरी डिजायर्स, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग उसके अकॉर्डिंग हो जाए, ये सुख है। तो जब मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस में और मेरे विचारों में और मेरी फीलिंग में एक संगीत होता है, एक हार्मनी होती है, इसी का नाम है सुख। और ठीक से देखें अगर दुख को समझने जाएं, तो अगर जिस सिचुएशन या स्टेट में मैं जी रहा हूँ उसमें कंट्राडिक्शन है, उसमें डिसहार्मनी है, देन इट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन, बट टू बी फोर्स टू बी इन स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन और डिसहार्मनी इज हैप्पीनेस। तो अगर सुख को देखने जाए तो सुख का मतलब है हार्मनी में जीना, दुख का क्या मतलब है? कंट्राडिक्शन में जीना, डिसहार्मनी में जीना। और हार्मनी का मतलब इतना है कि जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, मैं उसको समझ पाऊं और नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग जी पाऊं। दुख का मतलब इतना है कि जब हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं समझ पाते, तो हमारे विचारों में, हमारी फीलिंग में अगर अदरवाइज चलता रहता है, तो फिर वो दुख की स्टेट है। जैसे हम चाहते तो रिलेशनशिप में जीना है, लेकिन अगर मेरे विचारों में जो है अपोजिशन के भाव बने रहे,
मेरे विचारों में अगर जेलसी बनी रहे तो मैं सुखी होऊंगा या मैं दुखी होऊंगा, तो मैं दुखी होऊंगा, है ना। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल जो है वो फीलिंग, वो अगर हमारे अंदर बनी रहती है, हमारे डिजायर्स में, हमारी फीलिंग में, हमारे थॉट में, तो ये अपने आप में एक सुख की बात है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी जरूरी है कि सुख में, हैप्पीनेस में और एक्साइटमेंट में एक डिफरेंस है। तो हैप्पीनेस का मतलब है संगीत में जीना, हारमनी में जीना, व्यवस्था में जीना। जब हम एक्साइटमेंट में जीने जाते हैं तो एक्साइटमेंट में क्या है, हम लोग थकते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक्साइटमेंट में जीते हैं तो एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी नहीं है। जो हारमनी की बात हम कर रहे हैं, जो संगीत की बात हम कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी है ना। जैसे अगर आप ठीक से देखें, आप डांस कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं तो डांस कितनी देर तक कर सकते हैं? अगर आप स्टेज पे नाच रहे हैं या डीजे पे नाच रहे हैं तो कितनी देर तक नाच सकते हैं? ये बात ध्यान में आती है, 2 घंटे 4 घंटे नाच सकते हैं। तो बाकी के टाइम में सुखी होना है या नहीं होना? बाकी के टाइम में भी सुखी होना है, तो उसके लिए क्या प्रोग्राम है? तो ये बात ध्यान में आती है कि जब भी हम किसी एक्साइटमेंट के प्रोग्राम में लगते हैं तो थोड़े समय के बाद थक जाते हैं। थोड़े समय के बाद थक जाते हैं, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट थी। तो अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी थकावट हो रही है, जिसमें हमें बोरियत होने लग गई, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम एक्साइटमेंट के प्रोग्राम में लगे हुए थे। जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी देर तक शॉपिंग कर सकते हैं? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 1 हफ्ते तक शॉपिंग करते रहो, तो वही शॉपिंग है ना हमारे लिए एक सजा हो जाएगी। वही दुकानों पे घूमना है ना, सामान खरीदना, अगर हमको 1 हफ्ता 10 दिन लगातार करना पड़ जाए नॉन स्टॉप, तो वो दुख हो जाएगा। तो हम डीजे पे नाच रहे हैं, है ना, या हम कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, और उसको कितनी देर तक सुन सकते हैं? तो ये सारी चीजों को देखने जाएं, ठीक से समझ में आएगा कि एक्साइटमेंट की जो लाइफ है वो लंबी नहीं होती, जबकि जो हमारी प्यास है वो तो निरंतर सुख है ना। इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने जाएं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, एक बॉलर दूर से भाग के आता है, और जब वो भाग के आता है तो बॉल फेंकता है और विकेट गिरा देता है, और विकेट गिरा के जो है वो जोर जोर से अपनी क्रीज पे, पिच पे खड़ा होके उछलता है। तो क्या लगता है, वो हैप्पीनेस है या वो एक्साइटमेंट है? कितनी देर तक वो चल सकता है? तो ये बात ध्यान में आती है कि वो हैप्पीनेस नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। और अगर एम्पायर पीछे से बोल दे नो बॉल, तो क्या लगता है, वो जो जो बॉलर जो है अपनी क्रीज पे, पिच पे खड़ा होकर उछल रहा है, तो क्या लगता है उसकी हैप्पीनेस बनी रहेगी या चली जाएगी? तो उसकी हैप्पीनेस तो चली जाएगी। तो जो अगर जा रही है तो इसका मतलब ये एक्साइटमेंट है, अगर कंटिन्यूटी है तो वो हैप्पीनेस। तो ये डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा कि आज के दिन हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं हैप्पीनेस के नाम पे, क्या एक्चुअली वो हैप्पीनेस है? क्या हमारे सुख को क्या वो सुख की निरंतरता की तरफ लेकर जाते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद हम बोर हो जाते हैं? तो ये बात हमको ठीक से समझनी जरूरी है कि अभी हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं सुख के नाम पे, क्या वो सुख है भी, या सुख के नाम पे हो तो एक्साइटमेंट रही है। जैसे बहुत सारे अगर टीचर्स को देखें, बच्चों का तो हम कहते ही हैं, लेकिन टीचर्स को देखें, बहुत सारे लोग वीकेंड को लुक फॉरवर्ड करते हैं। अगर इंडस्ट्री में देखें तो बहुत सारे लोग शनिवार को या फ्राइडे नाइट के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 दिन जो जी रहे हैं वो अपने आप में कोई बहुत मीनिंगफुल जी रहे हैं, है ना, इस बात पे भी सोचने की बात है। लेकिन शनिवार और इतवार को बहुत सारा एक्साइटमेंट का प्रोग्राम करने को मिल जाता है, और शनिवार इतवार को जब एक्साइटमेंट बहुत सारी कर लेते हैं तो फिर जो है सोमवार से शुक्रवार फिर वो काम कर पाते हैं। तो ये बात को ठीक से देखना जरूरी है कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट एक ही बात है या अलग अलग बात है। तो ये तो एक अलग अलग बात है। हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, हम एक्साइटेड होके जीते रहें, या कहीं ना कहीं एक सुख की जगह हमको समझ में आ जाए, एक सुख की बात हमको समझ में आ जाए और सुख की कंटिन्यूटी के लिए काम कर सके। तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो तो सुख है। सुख को समझना बनता है कि सुख है क्या। सुख के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, है ना, और इस पे और डिटेल में एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे। तो अगर सार रूप में देखें तो सुख का मतलब है हारमोनी में जीना, संगीत में जीना, व्यवस्था में जीना, और दुख का मतलब है कंट्राडिक्शन में जीना, या कंट्राडिक्शन में जीने के लिए बाध्य होना। तो जैसे मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि मैं जो है सभी के साथ रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीऊँ, लेकिन अगर मेरे विचारों में ही कंट्राडिक्शन चल रहा है, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चे को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने बॉस को लेके, तो क्या लगता है मैं उनके साथ हारमनी में जी पाऊंगा या डिसहारमनी होगी? तो डिसहारमनी होगी, है ना। चाहता क्या हूँ, हारमनी, चल क्या रहा है अंदर, डिसहारमनी। ये कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन के कारण हमें थकावट होती है, इस कंट्राडिक्शन के कारण हम परेशान होते हैं। ठीक से देखें, आज के दिन हमारे जीवन का दुख है भी क्या, अगर इसको भी समझने की कोशिश करें, तो क्यों हम दुखी हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि हम पहाड़ तोड़ते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक खेत में काम करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम जाते हैं,
और हम जो भी कुछ करते हैं मोस्टली हम अपनी जीभ से कुछ करते हैं या अपने मुंह से कुछ करते हैं। हम कुछ क्लासेस लेते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम 5 बजे 6 बजे अपने कॉलेज से अपने घर आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इतना थक चुका हूँ जैसे बहुत पहाड़ तोड़ कर आए हैं। क्या लगता है ये पहाड़ तोड़ने जैसी जो मानसिक स्थिति हो रही है ये क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं ये डिसहार्मनी को जो पूरा दिन हम लोग झेलते हैं, सभी के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें से आप सब में से एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर इन जनरल अपने आसपास देखें तो ये बात समझ में आती है कि मेहनत फिजिकल नहीं हो रही लेकिन जो मानसिक तनाव हो रहा है, जो मानसिक स्ट्रेस हो रही है, ये हमारे दुख का कारण है। जब हम कॉलेज जाते हैं तो जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कभी व्यवहार में अनुकूलता होती है, कभी व्यवहार में प्रतिकूलता होती है, कभी हम दूसरों के साथ हारमोनियसली जी पाते हैं लेकिन कभी हम डाउट कर जाते हैं, कभी दूसरे हमारे लोगों पर डाउट कर जाते हैं, कभी हमको रिस्पेक्ट मिलती है, कभी हमको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, कभी हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कभी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो बेसिकली सारा तनाव, सारी स्ट्रेस फिजिकल काम करने की नहीं है। फिजिकल काम तो हमारी जिंदगी से लगभग लगभग खत्म हो चुका है, और थोड़ा बहुत बचा भी था तो उसको हमने आउटसोर्स कर दिया है। लेकिन जो मुद्दा है वो क्या है? मुद्दा तो मानसिक तनाव का है, मुद्दा तो अंदर के खिंचाव का है। हमारे अंदर वो फीलिंग चलती रहती है और हमारे अंदर जो है वो भाव विचार चलते रहते हैं जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सब बातों को भी और ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरा मुद्दा भी और ध्यान में आता है कि हम प्रोस्पेरिटी की बात को भी करते हैं, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? हम प्रोस्पेरिटी की फीलिंग के साथ जिएं या पंजाब का सबसे अमीर आदमी हो जाए, राजस्थान का सबसे अमीर आदमी हो जाए, क्या चाहते हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नॉर्थ वेस्ट रीजन का सबसे अमीर आदमी हो जाए, बड़ी बड़ी मैगजीन में हमारा नाम हो जाए, या एक खुशहाली की अपने परिवार में खुशहाली की स्टेट बन जाए, खुशहाली की स्थिति बन जाए। तो जो हमारी चाहना है वो तो प्रोस्पेरिटी ही है, लेकिन अगर अपने जीने को देखने जाएं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन के काम में लग गए हैं। चाहते क्या है? नेचुरली एक्सेप्टेबल फीलिंग क्या है कि जितनी हमारी फिजिकल फैसिलिटी की नीड है हमारे परिवार में, उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी हो, ताकि कोई कल को हमारे घर आ जाए तो अभाव ना हो। अगर 4 लोग 10 लोग भी हमारे घर आ जाए तो हम उनको खिला सकें, इसीलिए प्रोस्पेरिटी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि खुशहाली हो, जितनी नीड है उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी हो, लेकिन आज दुनिया जिस काम में लगी हुई है वो तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन करने में लगी हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए भी जमा कर चुके हैं लेकिन अभी भी उनका पेट भरता दिखाई नहीं दे रहा। भाई भाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की रोटी छीन रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर हम नहीं समझे तो यही काम हो सकता है, और यही काम अपनी एजुकेशन में दिखा रहे हैं। तो यही काम अगर हम बच्चों से पूछे कि तुम्हारी बेसिक एस्पिरेशन क्या है, तो वो ये थोड़ी कह पाता कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। वो तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और बड़ा आदमी बनने का नोशन क्या है आज के दिन हमारे बच्चों की इमेजिनेशन में? बड़े आदमी का नोशन क्या है? वो किसी एक अमीर आदमी को बड़ा आदमी मानता है। कहीं ना कहीं उसको ये नोशन है कि अमीर आदमी बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसने कभी ये सर्वे करके नहीं देखा कि जो बड़े आदमी जिसको वो बड़ा मानता है, क्या वो सुखी भी है? क्या उसकी सुख की निरंतरता है? क्या उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में हार्मनी है? क्या उसके हस्बैंड के साथ, क्या उसके बच्चे उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है? क्या परिवार के लोग उसको स्वीकार पाते हैं? जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको स्वीकार पाते हैं? जिस गाड़ी को जो ड्राइवर चलाता है, क्या उसको अपने मालिक की गाड़ी चलाने में ग्लोरी की फीलिंग होती है, ग्रेटिट्यूड बनता है? ये सब बातें देखनी जरूरी है कि आज के दिन समाज में लोग अमीर बनने के काम में लगे हुए हैं या कहीं ना कहीं खुशहाली को समझ के जीने का एफर्ट कर रहे हैं। तो हम प्रोस्पेरिटी पे भी थोड़ी और बात करेंगे। तो ठीक से देखें तो बेसिक है ह्यूमन एस्पिरेशन देखने जाएं तो वो तो निरंतर सुख है। निरंतर सुख चाहते हैं और प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। सुख को समझने जाए तो हार्मनी में जीना ये सुख है, या हार्मनी में जी पाना ये सुख है। प्रोस्पेरिटी को समझने जाए, द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, तो जितनी हमारी नीड है उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी होना, ये प्रोस्पेरिटी है। तो ठीक से देखने जाए तो फंडामेंटल या बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन तो कंटिन्यूअस एंड हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी है। तो हैप्पीनेस का मतलब है टू बी इन हार्मनी। अगर प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बे ह्यूमन एस्पिरेशन, तो 4 लेवल की हार्मनी को समझना और 4 लेवल की हार्मनी में जीना, तो अपने लेवल पे हार्मनी को समझना, परिवार समाज नेचर एग्जिस्टेंस के लेवल पे हार्मनी को समझना, ये काम है।
प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ पाना और अपने एक्सपीरियंस से वैलिडेट कर पाना, दूसरे ह्यूमन के साथ भी और नेचर के साथ भी। तो इतना काम है। अब हम एक एक लेवल पे की हार्मनी को समझ सकते हैं, अब ठीक से देखने शुरू करें। सुरेंद्र भैया, अभी जी भैया, तक उपासना दीदी कनेक्ट हो चुकी हैं, अच्छा, तो दीदी को आगे कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक बात है, दीदी दीदी अगर कनेक्टेड हैं कर सकती हैं। हाँ जी भैया, जितेंद्र भैया सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली वो नेट का इशू था, अपॉलॉजी फॉर दैट। तो बढ़िया, हम लोगों ने है ना अपनी बेसिक एस्पिरेशन को अभी आइडेंटिफाई कर लिया है, ऐसा मान सकते हैं। पहचान में आ गई है कि निरंतर सुख और समृद्धि, यही मेरी बेसिक एस्पिरेशन है। और इसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम देखें तो ये भी एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, क्योंकि सुख जो है वो व्यवस्था में है और व्यवस्था मेरे पूरे जीने के फैलाव में होनी चाहिए। तो मेरे जीने का फैलाव अपने से लेकर के नेचर एग्जिस्टेंस तक है, जिसमें परिवार भी शामिल है, समाज भी शामिल है बीच में। तो ये सारी जगह की व्यवस्था को मैं देख पाऊं और जी पाऊं, इससे कम में मेरा काम चलने वाला नहीं। इसलिए एक एक करके सारी व्यवस्था को देखने का प्रयास करने का है ना मन बनता है, जिससे कि मैं व्यवस्थित हो पाऊं, हार्मोनाइज्ड हो पाऊं, सुखी हो पाऊं, कंटिन्यूएशन में सुखी हो पाऊं। तो कंटिन्यूटी जरूरी है, जिसकी जितेंद्र भैया बात कर रहे थे। तो इसी कंटिन्यूटी के लिए अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अपना है ना प्रोग्राम बन रहा है कि अब अपने में, ह्यूमन बीइंग में व्यवस्था को समझने का काम करते हैं। तो देखते हैं प्रोसेस जैसा है, सेम प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, उसके साथ हम लोग अपने में है ना इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग में व्यवस्था को देखने का काम करने जा रहे हैं। जी भैया, नेक्स्ट। तो अब अपने को अगर देखने का काम करें, ह्यूमन बीइंग को देखने का काम करें, तो एक प्रस्ताव आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए भैया। ठीक है ये जी। तो एक प्रस्ताव रूप में आपके सामने अगर मैं अपने को देखने चलता हूँ, अपने को पहचानने चलता हूँ, तो प्रस्ताव है कि मैं भी हूँ और शरीर भी है, और मैं शरीर के साथ को एग्जिस्टेंस में हूँ, है ना। क्योंकि प्रस्ताव है इसलिए एक्सप्लोरेशन जरूरी है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या दिखाई पड़ता है। अपने से पूछ के देखें कि मैं भी हूँ, अपने को दिखता है कि नहीं कि मैं भी हूँ, एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, मैं हूँ, अपने को देख पा रहा हूँ, और ये भी देख पा रहा हूं अगर ध्यान से देखें तो शरीर भी है। ये दोनों ही दो वास्तविकताएं हैं या दोनों कहीं एक ही है, यही एक कंफ्यूजन है। दोनों को मैं अलग अलग देखता हूं तो ये दिखता है मैं भी हूं, शरीर भी है, पर समहाउ और क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन है और अपेक्षा है कि ये दोनों देख पाऊं कि ये दो रियलिटी है या दोनों कहीं एक ही बात है ना, कुछ दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए मैं कुछ पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, और उन पैरामीटर्स में मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता दोनों अलग अलग है या सिमिलर है। अगर अलग अलग है तो दो वास्तविकताएं हैं, दोनों को पूरा करने की जरूरत है। अगर सिमिलर है ना, या फिर कहीं कुछ है ना कह सकते हैं कि मर्ज हो रहा है, तो फिर उस दृष्टि से सोचेंगे। तो अभी देखें तो मैं और मेरी आवश्यकता को अपने देखें तो मेरी आवश्यकता सुख की है। मेरी आवश्यकता सुख के लिए बहुत सारे भावों की है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं विश्वास के साथ जीना चाहता हूँ, मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर शरीर की आवश्यकता देखें तो शरीर की आवश्यकता कुछ सुविधाएं हैं, जैसे अगर शरीर को भूख लगी है ना, शरीर को ग्रो करना है, तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको खाना दे देना, उसको खाना मिल जाना, ये शरीर की नीड है, जिससे शरीर ग्रो कर पाए, शरीर स्वस्थ रह पाए। लेकिन शरीर को खाना मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको मैं अभी और एक्सप्लोर करके देखूं। क्योंकि सुख तो कंटिन्यूटी में चाहिए, खाने की आवश्यकता कंटिन्यूटी में अगर पूरी करने की कोशिश करता हूँ सुखी होने के लिए भ्रमवश, तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो पहले तो खाना, जब मेरी आवश्यकता है शरीर की ग्रोथ के लिए, उतना खाना तक तो है ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्वीकार्य होता है। लेकिन उसके बाद समहाउ सुख की पूर्ति के लिए, सम्मान की पूर्ति के लिए अगर खाने की है ना कंटिन्यूटी करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे लिए बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो इसको मैं देखने की कोशिश करूँ ध्यान से, तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, शरीर को खाना चाहिए, लेकिन इस सुख और सुख से रिलेटेड सम्मान को एक्सप्रेस करने के लिए
खाने की को अगर मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूं, जैसे मैं किसी के घर गया, ध्यान से देखें तो मैं घर गया तो मुझे आवश्यकता इस बात की है कि घर पहुंचाऊं तो मुझे थोड़ा सा चाय पानी है ना, कुछ खाना मिल जाए जिससे मेरे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, साथ साथ में है ना एक सम्मान के साथ, एक है ना संबंध के साथ उस घर में मेरी स्वीकृति हो, ये भी मेरी चाहना है। मैं गया और मुझे खाना मिला और खाने के बाद मैं जब तृप्ति अनुभव किया खाने से, खाने की पूर्ति हो गई, अब दूसरा व्यक्ति मुझे और खाना दे कि नहीं अभी तो आपने सिर्फ है ना कितना थोड़ा ही खाया, अभी थोड़ा और लेना पड़ेगा, कभी कभी तो आपका आना होता है मेरे यहाँ है ना, तो ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, तो आज तो आपको ये भी खाना पड़ेगा क्योंकि ये मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ या बना लेती हूँ और ये तो मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। इस तरह से लगातार मैं अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए अगर खाने की कंटिन्यूटी करता हूँ तो ये है ना एक समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि खाने के रिक्वायरमेंट अपने आप में टेम्परेरी है। भूख लगी है तो खाना चाहिए, भूख खत्म हो गई है तब खाना मेरे लिए सजा हो जाएगी, मेरे लिए पनिशमेंट हो जाएगा, मेरी बॉडी है ना उसको है ना एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं रहती है तो रिटेलिएट करने लगती है, रिवोल्ट करने लगती है, इनडाइजेशन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। लेकिन अगर मैं अपने भावों के लिए बात करूं तो सुख मुझे लगातार चाहिए, कंटिन्यूटी में चाहिए है ना, हर पल हर क्षण चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट भर गया तो अब सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सम्मान कंटिन्यूटी में चाहिए तो खाना ही खिलाने का है ना एक प्रयास उस सम्मान को इंश्योर करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं है ना। तो मैं ये देख पाऊं कि मेरी आवश्यकता जो कुछ भाव है और शरीर की आवश्यकता जो सुविधा है वो टाइम में अपने आप में बहुत डिफरेंट है। तो काल में अगर देखें तो मेरी आवश्यकता निरंतर है, शरीर की आवश्यकता टेम्परेरी है, शरीर की टेम्परेरी आवश्यकता को उसकी टेम्परेरीनेस के साथ पूरा करना पड़ेगा, अपनी कंटिन्यूटी में आवश्यकता को कंटिन्यूएशन में पूरा करना पड़ेगा। अगर दोनों को ही मैं मिसमैच करता हूँ कहीं किसी वजह से तो मैं परेशान होता हूँ, ये अपने में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो इसी को और देखने की कोशिश करते हैं। शरीर की आवश्यकता क्योंकि टेम्परेरी है इसलिए उसकी एक निर्धारित मात्रा मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे चार रोटी की जरूरत है ना, मुझे दो कटोरी सब्जी खाने की जरूरत है, इसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ। तो शरीर की कोई भी आवश्यकता, खाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कपड़े की आवश्यकता को भी ऐसे ही देख सकते हैं, ऐसे ही जितनी भी एक्सेसरीज हैं, गाड़ी की आवश्यकता, घर की आवश्यकता, फोन की आवश्यकता, ये सब अपने आप में देखें, एक्सप्लोर करें कि टाइम में टेम्परेरी है और क्वांटिफाई की जा सकती है, क्योंकि टेम्परेरी है, लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसकी जरूरत है, हमेशा नहीं चाहिए, इसलिए उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि मेरे है ना अपने लिए नरिशमेंट के तौर पे एक टाइम के लिए, एक मील के लिए इतना है ना फूड की रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से मेरे परिवार के लिए एक टाइम के लिए, एक मील के लिए इतने राशन की रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से मैं अपनी वीक की, मंथ की आवश्यकता को डिफाइन कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, असर्टेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये निश्चित है, इसकी प्रकृति निश्चित है, ये सीमा में है ना है, उसकी सीमा ही मुझे स्वीकार है, उससे ज्यादा मेरे लिए परेशानी का कारण बनता है। लेकिन अगर मैं इधर पर्पल वाले कॉलम को देखूं तो मेरी अपनी जो भावों की रिक्वायरमेंट है, जो मेरी सुख की चाहना है, वो तो निरंतर है समय में, वो किसी समय भी, अभी पेट भर गया है लेकिन सुख से भी मेरा पेट भर गया ऐसा नहीं है, अभी मुझे रोटी नहीं चाहिए है ना, अभी जाड़े का समय नहीं है इसलिए मुझे ऊलन नहीं चाहिए, ये तो कह सकते हैं, लेकिन जाड़े का समय नहीं है इसलिए मुझे सम्मान नहीं चाहिए, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। तो अपने को देखें तो शरीर की आवश्यकता समय के अनुसार, जगह के अनुसार है ना, मात्रा में, ये बार बार अपने आप में देख पाएंगे कि ये टेम्परेरी है और ये क्वांटिटेटिव है, मेजर की जा सकती है, लेकिन अपनी आवश्यकता कंटिन्यूअस दिखती है और इस कंटिन्यूअस आवश्यकता को एक्चुअली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी में चाहिए इसलिए इसका एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए। कंटिन्यूअस जो ये आवश्यकता है फीलिंग्स की, इसके लिए फीलिंग्स को अपने आप में एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, फीलिंग्स क्या है इसकी क्वालिटी को समझने की जरूरत है। सो आई कैनॉट असर्टेन कि है ना, जैसे खाने को कर सकते हैं कि चार रोटी से मेरी तृप्ति हो जाती है, तो कितने किलो सम्मान से मेरी तृप्ति हो जाती है, आई कैनॉट आइडेंटिफाई, आई कैनॉट से दिस
है ना, कि इतने लीटर ये मेरे लिए विश्वास के लिए पर्याप्त मात्रा है, इतने लीटर विश्वास मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। जबकि मैं, है ना, अपने खाने की रिक्वायरमेंट में, अपने कपड़े की रिक्वायरमेंट में इसको बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी इस तरह की अपना ऐसा बॉडी, ऐसी विड्थ है, मुझे इतने मीटर के कपड़े में मेरा एक इस तरह का आउटफिट तैयार हो जाता है, मेरा कपड़ा तैयार हो जाता है, दैट आई कैन डिसाइड। लेकिन जब मैं अपने लिए सम्मान की बात करता हूँ तो मैं मीटर में, लीटर में, है ना, उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाता। वो मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, ठीक ठीक पूरा पूरा चाहिए। अगर मुझे मिल पाता है मेरी चाहना के अनुसार, सही समझ के अनुसार, तो मैं तृप्त होता हूँ। इन केस अगर मेरी समझ में कहीं कुछ कमी रहती है और मैं उसको पूरा पूरा अपने लिए नहीं देख पाता तो अतृप्ति बनी रहती है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि फीलिंग्स को लेकर के, है ना, अपने आप में समझ बन पा रही है कि नहीं, अपने आप में तृप्ति नहीं बन पा रही है कि नहीं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो सामान का बढ़ाते जाना, सुविधाओं का बढ़ाते जाना, जिसके लिए आज की एजुकेशन सिस्टम काफी कुछ मदद कर रही है, उससे मैं क्यों नहीं आराम में आ रहा, थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दोनों आवश्यकताएं अपनी अलग अलग दिखाई पड़ेंगी और आपको उसके पीछे रीजन भी दिखाई पड़ेगा कि मैं सामान बढ़ने के साथ शरीर की आवश्यकता को कुछ हद तक पूरा कर पा रहा हूँ, रादर अपनी आवश्यकता से अधिक का भी बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ है, लेकिन फिर भी समृद्धि का भाव मुझे चाहिए, प्रोस्पेरिटी मुझे चाहिए। प्रोस्पेरिटी तब तक नहीं आ पा रही इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन, क्योंकि मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरी रिक्वायरमेंट है कितनी एक्चुअली, खाने को लेके, कपड़े को लेके, एक्सेसरीज को लेकर के, क्योंकि ये अभी नई फैसिलिटेशन हुआ है एंड दिस फैसिलिटेशन इज बीइंग ऑपरेटेड थ्रू सेल्फ। तो ये तो फैसिलिटेशन के लिए मेरी अपनी समझ ही मुझे ऑपरेट करेगी, इस फैसिलिटेशन के लिए कोई भी गाइडलाइन मुझे बाहर से नहीं मिलने वाली है, तो मैं ही अपने आप में, है ना, इसको श्योर करने वाला हूँ कि मेरे लिए क्या खाने के लिए ठीक है, कितना खाना ठीक है, इस पूरे, है ना, टेम्पररीनेस को बॉडी रिलेटेड फैसिलिटी के और इसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे में समझ का होना एक जरूरी दिखाई पड़ता है। लेकिन किसी भी चीज को बिना एक्सप्लोरेशन के मान लेने का, है ना, कोई प्रयास करने का ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम देख पाए कि दोनों आवश्यकताएं, मेरी आवश्यकता बिल्कुल अलग है समय में और क्वांटिटी में, और शरीर की आवश्यकता बिल्कुल अलग है समय में और क्वांटिटी में। मेरी आवश्यकता कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव, शरीर की आवश्यकता टेम्परेरी, क्वांटिटेटिव। आप भी देखें, आर दीज नीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ऑफ सेम टाइप। अपने लिए थोड़ा एक रिफ्लेक्शन का काम करें हम लोग, है ना, थोड़ा पॉज दें, थोड़ा विचार करें कि क्या अपने को ये दिखाई पड़ता है कि ये दोनों ही नीड्स, आर दीज नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ऑफ सेम टाइप। आपके पास दो चॉइस हैं, तो ध्यान से देखें, अपने लिए एक बार एक्सप्लोर करके देखें, मुझे क्या दिखाई पड़ता है। ये दो वास्तविकताएं हैं, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, दोनों की अलग अलग आवश्यकताओं को मैं देख पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं भी एक वास्तविकता हूँ। मेरी आवश्यकता सुख की है, सम्मान की है, फीलिंग्स की है, जो कंटिन्यूस है, जो क्वालिटेटिव है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि शरीर के साथ सहस्तित्व में हूँ, शरीर की ग्रोथ, शरीर का स्वास्थ्य भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन इस शरीर की ग्रोथ के लिए, है ना, मुझे खाना, कपड़ा और बहुत सारी, है ना, एक्सेसरीज, वो एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। ये मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये आपके सामने, है ना, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए क्वेश्चन, और रिस्पॉन्स जब तक आता है हम लोग इस पर थॉट दें और भी देखें ये कि क्या ये दोनों तरह की जो नीड्स हैं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं। दोनों नीड्स को मैं टेक केयर करना चाहता हूँ, केटर करना चाहता हूँ, दोनों नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, या किसी एक तरह की नीड से ही मेरा काम चल जाएगा। रिफ्लेक्शन आ गया है, हम देख पा रहे हैं कि दोनों नीड्स सिमिलर हैं, ऐसा बहुत कम लोगों का ही, है ना, रिस्पॉन्स दिख रहा है। दोनों नीड्स डिफरेंट हैं, लगभग 81% लोग अपने में देख पा रहे हैं कि मेरी आवश्यकता बिल्कुल अलग है, शरीर की आवश्यकता बिल्कुल अलग है, टाइम वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। तो बढ़िया, इस एक्सप्लोरेशन के साथ, इस रिफ्लेक्शन के साथ थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं, है ना।
तो हमने देखा कि नीड वाइज ये दोनों ही अलग अलग आवश्यकताएं हैं, दोनों को पूरा करने का अपना है ना, दोनों के फुलफिलमेंट का की जरूरत है, अपनी आवश्यकता है, दोनों को अलग अलग पूरा करें. आर वी वर्किंग टू फुलफिल बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स? तो रिफ्लेक्शन है, आप फिर से इस पर विचार करें, इस पर सोचें कि क्या हम दोनों टाइप्स की नीड को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. और ये भी जरूर विचार करें कि अगर हम दोनों तरफ टाइप की नीड्स को पूरा करने के लिए काम करना चाह रहे हैं, है ना, काम करने का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? फिर मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए ऐसा कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है, ये बिल्कुल कंक्लूड ना करें कि इस प्रायोरिटी की वजह से दूसरे एक को मोर और दूसरे को लेस प्रायोरिटाइज करें. दिस प्रायोरिटी इज ओनली फॉर राइट प्लेसमेंट ऑफ बोथ द नीड्स. तो दोनों को हम ठीक ठीक केटर कर पाए, किस से शुरू करूं, मैं अपनी आवश्यकता को पहले देखूं और अपनी आवश्यकता को देख करके है ना, जो सुख और समृद्धि और उसकी निरंतरता की है, उस सुख समृद्धि और निरंतरता के लिए अपने शरीर के है ना परिप्रेक्ष्य में भी मैं आवश्यकताओं को देख पाऊं, उसकी टेम्परेरीनेस को भी देख पाऊं, उसकी क्वांटिटी को भी डिसाइड कर पाऊं, समृद्धि के भाव से जी पाऊं, ये अपने में दिखाई पड़ता है या अदरवाइज कुछ अपने में प्रोग्राम बन रहा है, कुछ अभी अदरवाइज देखना हो रहा है कि बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले, बहुत सारा सुविधा इकट्ठा कर ले, है ना, तो इसके साथ सुखी हो जाने की है ना काफी संभावना हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी. इन सब को हम लोग है ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉज दे करके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा समय लगा रहे हैं जिससे अपने में इस व्यवस्था को देखना हो पाए, इस प्रकृति को देखना हो पाए कि मैं ह्यूमन के तौर पर मैं भी हूँ, शरीर भी है, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं. तो ठीक है, एक और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. So both these needs are to be fulfilled in living. What is the priority? जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या ये दोनों ही आवश्यकताएं पूरी करनी है? अगर पूरी करनी है तो प्रायोरिटी क्या होगी? How do you spend most of your time and effort in a given day over a week? है ना, ये भी देखें ध्यान से कि पूरे समय में हम लोग जो अभी एफर्ट लगा रहे हैं पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में, तो किस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं? चॉइसेस जो अपने पास दो चॉइसेस दी हुई है, इनमें से एक सिंगल चॉइस आपको ऑप्ट करनी है. सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम एंड एफर्ट फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, दिस इज फर्स्ट चॉइस. दूसरा एक चॉइस मेरे पास ये भी है, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम एंड एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी. एंड दीज चॉइसेस आर इन टर्म्स ऑफ लिविंग, मेरा जीना कैसा हो रहा है अभी, मेरा एफर्ट कैसा है, मेरा प्रोग्राम कैसा है. तो अभी की अपनी करंट स्टेटस के बारे में है, ये दोनों ही आवश्यकताएं मुझे क्लैरिटी से नजर आ रही हैं, दोनों पूरा कर रहा है, लेकिन जीते हुए मैं अभी किस है ना आवश्यकता को प्रायोरिटाइज कर पा रहा हूँ. समहाउ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारा समय फिजिकल फैसिलिटी को पूरा करने में लगा लूँ, उससे ऑटोमेटिकली मेरा सेल्फ के रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ऐसा एक अजम्पशन के साथ में चल रहा हूँ. या मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा समय और मेरा पूरा प्रयास सही समझ के लिए, सही भाव को समझने के लिए और जीने के लिए लग पा रहा है अभी. तो आपके पास चॉइस है, इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, और ध्यान दे करके हम लोग पोल रिजल्ट को है ना, इवन रिफ्लेक्शन रिजल्ट को है ना देखेंगे. तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इस बात पर ध्यान जा रहा है कि हम लोग अपने जीने में अभी फिलहाल इस बात को इंश्योर कर पा रहे हैं कि सही समझ के साथ, सही भाव के साथ जीना हो पाए. कुछ लोगों का ऐसा भी ध्यान जा रहा है कि अभी ज्यादातर समय हम लोग सुविधाओं के एक्यूमुलेशन में लगे हुए हैं, somehow इस assumption के साथ कि सुविधाएं एक बार accumulate हो गई है ना, तो सुख तो अपने आप में इंश्योर हो ही जाएगा. अच्छी बात है, इस एक्सप्लोरेशन के साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारा अपने आप में है ना, जो अपने एक्सप्लोरेशन बन रहा है कि मेरा प्रयास अभी का फिलहाल सही समझ सही भाव के लिए है, इसको एक्चुअली ये हम लोग देख भी पा रहे हैं है ना, या somehow किसी मान्यता के चलते, किसी assumption के चलते इस चॉइस को ले रहे हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं और देखने की जरूरत है. तो हम लोग बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, दो अलग अलग रियलिटीज हैं, सेल्फ मैं हूँ, शरीर भी है, दोनों सहस्तित्व में है, मेरी आवश्यकता कुछ फीलिंग्स की है जो कंटिन्यूअस हैं, क्वालिटेटिव हैं. क्योंकि कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव है, इसलिए एब्सोल्यूटनेस में समझ पाता हूँ, समझने की जरूरत है, समझना ये मुझे कुल मिलाकर के इन फीलिंग्स को है, इन भावों को है, जिससे मैं संबंधों में जी पाऊं, जिससे मैं भावों के साथ जी पाऊं. तो ये कुल मिलाकर के जो क्वालिटी चाहिए है ना,
जो एक सही समझ चाहिए उसके लिए जो एक जो रास्ता दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मुझे इस रियलिटी को, इन फीलिंग्स को बिल्कुल ठीक ठीक देखने में सहयोग मिल पाए। तो मैं किसी अजम्पशन में ना रहूं कि हो सकता है ये भी या हो सकता है ये भी, है ना। मुझे बिल्कुल क्लियर पता चले कि एक्चुअली ये फीलिंग है इन नटशेल, और इस फीलिंग को अपने आप में इंश्योर करने की ये विधि है, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये सही समझ, पूरी व्यवस्था को मैं देख पाऊं, है ना, इस व्यवस्था में भाव को देख पाऊं, भावों के एब्सोल्यूटनेस तक पहुंच पाऊं, इसको कह रहे हैं कि ये मेरी आवश्यकता के पूरा होने का प्रोग्राम है। और अगर शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का प्रोग्राम देखें तो फिजिको केमिकल चीजों की बस मैं एश्योरेंस कर लूं, अपने लिए जुटा लूं, और वो जुटाऊंगा कैसे, एक बार मुझे दिख जाए कि मेरे शरीर की इतनी लिमिटेड आवश्यकता है, टाइम टू टाइम है, तो फिर मैं अपने आप में देख पाता हूँ कि मुझे खाने के लिए, मुझे कपड़े के लिए, मुझे अपने शरीर के सदुपयोग के अर्थ में कितनी सुविधाओं को जुटाना है, और उन सुविधाओं को भौतिक रासायनिक फॉर्म में, है ना, मैं अपने पास अवेलेबल कर लेता हूँ। आइडेंटिफिकेशन मैंने कर लिया सही समझ के साथ, सही भाव के साथ, इस तरह से एक समृद्धि की स्थिति में पहुंच करके मैं शरीर को, है ना, अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में अपने को समर्थ पाता हूँ। तो अगर फुलफिलमेंट देखें आवश्यकताओं का, अपनी आवश्यकता का और शरीर की आवश्यकता का, तो शरीर की आवश्यकता फिजिको केमिकल है, इसलिए वो फिजिको केमिकल चीजें जो नेचर में हैं निश्चित हैं निश्चित रूप से, लेकिन मेरी आवश्यकता भी तो निश्चित है। तो पूरे नेचर में ये निश्चित और टेम्परेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुझे दिखती है, तो कोई हैसल नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं दिखती है कि बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लेना है कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी इतनी निश्चित आवश्यकता है, और नेचर में इनहेरेंटली इननेटली ये प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखाई पड़ती है। आराम से देखूं तो देख पाता हूँ, इनफ फिजिकल फैसिलिटी है मटीरियल फॉर्म में, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे अलावा भी, अगर मैं देखूं एनिमल्स को भी फिजिकल फैसिलिटी मटीरियल चाहिए, अगर मैं प्लांट को देखूं तो उसको भी हवा पानी चाहिए, तो कुदरत में अपने आप इतना मटेरियल है कि प्लांट को और एनिमल को और मुझे सबको मिल सके। तो एक इनहेरेंट व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ती है, एक समृद्धि दिखाई पड़ती है, और मुझे एक तसल्ली होती है, मुझे एक एश्योरेंस होता है, आराम बनता है कि मुझे कोई भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिको केमिकल चीजें निश्चित मात्रा में समय समय पर मुझे, है ना, एक बार आइडेंटिफाई कर लूं तो मैं अपने लिए इंश्योर कर सकता हूँ, अवेलेबल करा सकता हूँ। लेकिन ये सारा कुछ अगर देखें तो दिस इज गाइडेड थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग ओनली, समझ के थ्रू ही ये गाइड हो पा रहा है। तो अगर मैं देखूं द नीड्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मुझे भूख लगी हो और मुझे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बताते रहें, है ना, ये फिजिको केमिकल रिक्वायरमेंट ना पूरी हो, खाना ना मिले, कपड़ा ना मिले, आई फील रेस्टलेस, इसलिए बॉडी के रिक्वायरमेंट को, है ना, अगर अपने को बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसके लिए फिर ये जो पर्पल कॉलम जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारा काम करने से वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो राइट फीलिंग्स एलोन ये दिस कैन नॉट बी, है ना, कंप्लीट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट, एंड नीड्स ऑफ द सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजिको केमिकल थिंग्स। सिमिलरली अगर मैं ये पर्पल वाले कॉलम की तरफ काम करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं समझदार हो जाऊं, और समझदारी के लिए मैं समझदार हो जाऊं, मेरा बच्चा समझदार हो जाए, मैं अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाऊं, मैं अपने बच्चे को भी, है ना, अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाऊं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूं, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज से इक्विप्ड कर दूं, इसके साथ ये सही समझ गारंटीड है, ऐसा, है ना, अपने को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ऐसी संभावना है कि नहीं है। अपने को दिखाई देता है दोनों अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, एक की फुलफिलमेंट से दूसरे का पूरा हो जाना, इसकी संभावना ऐसी प्रकृति में है कि नहीं, इसको एक्सप्लोर करें। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सही समझ सही भाव चाहिए, शरीर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ फिजिको केमिकल चीजें जिनको मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है, अपने लिए इंश्योर कराना है। एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रहे जिससे कि अपने में बात स्टेबल हो पाए, जीने में आ पाए। तो बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैव टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली, दोनों को ही अलग अलग से समझने की जरूरत है, है ना, एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं कई बार, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, ये कंफ्यूजन मेरे अपने में हो रहा है, तो जितनी क्लैरिटी मुझ में हो पाती है इन दोनों की नीड्स के बारे में अलग अलग, उतना मेरे अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने प्रोग्रामिंग में
है ना, उतना कॉन्फिडेंस आता है. तो बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड सेपरेटली, दोनों अलग अलग समझ करके, दोनों को अलग अलग निर्वाह करने की जरूरत है. अपने से पूछ करके देखें कि जब हम जी रहे हैं तो कौन सी नीड को मैं पहले टेक केयर करूं, क्या प्रायोरिटी दूं, जिससे कि दोनों का फुलफिलमेंट हो पाए. सो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट दैट इज स्पेंट फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग. अभी देखें जीने में कि हम लोग ये प्रायोरिटी अपने डिसाइड कर पा रहे हैं क्या, है ना, सिर्फ मानना के बेसिस पर, या वाकई ये समझ पाए हैं और अपना ध्यान लगा पा रहे हैं कि सही समझ और सही भाव पर कितना समय देना है और सुविधा एक्यूमुलेशन के लिए, है ना, बच्चे के लिए बहुत सारा कपड़ा खाना और उसके लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, उसके लिए बहुत सारा उसके साथ में मिलकर के पढ़ाई कराना, ये सारा कुछ जो हम लोग अपने 24 घंटे को ध्यान से देखें तो हम लोग जो अपना पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं वो ये दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने को ध्यान में रख करके बना रहे हैं, या समहाउ कहीं अभी हमने शरीर की आवश्यकता को ओवर प्लेस कर रखा है. और वो ओवर प्लेसमेंट का भी रीजन यही है कि अपने आप में, है ना, बहुत समझ, बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई है इन दोनों की अलग अलग आवश्यकताओं को देखने की. तो इसको एक बार रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत है, पॉज देने की जरूरत है कि हम फिर से ध्यान से रुक करके देखें कि अपने समझने में, अपने में भावों को इंश्योर करने में कितना समय लगा रहे हैं, अपने संबंधी को समझ आ जाए, समझ में सहयोग हो जाए, उसमें भावों की, है ना, स्टेबिलिटी हो जाए, अपने बच्चे में, अपने स्टूडेंट्स में, इस पर कितना काम कर पा रहे हैं और कितना ध्यान अपना खाने पीने और सामानों को इकट्ठा करने में या इसके लिए प्लान बनाने में, प्रोसेस करने में बना हुआ है, इसको देखने की जरूरत है. तो एक पैरामीटर हमने लिया अपने लिए और अपने, है ना, शरीर की आवश्यकता को देखने के लिए नीड को एक पैरामीटर के तौर पर लिया और देखा कि दोनों की आवश्यकता अलग अलग है, दोनों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम भी अलग अलग है. एक और पैरामीटर है जिसको जांचने की, वेरीफाई करने की जरूरत है कि मुझ में जो एक्टिविटीज चल रही हैं और शरीर में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि मैं देख ही पाता हूँ मुझ में भी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं जिसको यहाँ कुछ नाम दिए हैं, है ना, लेकिन आपको अपने में देखने की जरूरत है कि मेरे में लगातार ये एक्टिविटीज चल रही हैं, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन चल रही है, इच्छा विचार आशा चल रही है. तो ये एक्टिविटीज मुझ में चल रही हैं, पहले तो ये नोटिस करें. तो मेरे में इच्छा बन रही है, विचार चल रहा है, कुछ आशा भी बनी हुई है, ये मुझ में लगातार चल रही है. मैं अपने में झांकना शुरू करूं, अपने में देखना शुरू करूं तो मैं देखूंगा, मैं पाऊंगा कि मैं अपने को ऐसे ही देख पा रहा हूं. मुझ में कुछ इच्छा चल रही है, जैसे अभी, है ना, एक इच्छा बनी हुई है कि बात को समझ ले, तो बात को समझने के लिए फिर बहुत सारा विचार भी फैला रहे कि कितना ध्यान अपने को, है ना, ट्रांसपेरेंसी पे देना है, स्लाइड्स पे देना है, कहां बीच में प्रॉब्लम आई है, कोई एक, है ना, क्वेश्चन अगर बन रहा है तो अभी उसको नोट डाउन कर लेना है, या फिर ऐसा लगता है कि तुरंत ही अभी चैट बॉक्स में लिख करके कम्युनिकेट कर देना है. तो इस तरह से बहुत सारा विचार भी फैल रहा है, फिर साथ में अपेक्षा भी बनी हुई है ना, कि इस तरह से वो चैट बॉक्स में जो गया है उसका रिस्पॉन्स आ जाए, जो क्वेश्चन में मेरे पास बना है, जो डाउट बना है वो मुझे पूरा हो जाए, पता लग जाए, ये डाउट रिजॉल्व हो जाए, जिससे कि मैं अपने, है ना, समझने की उस इच्छा को पूरा कर पाऊँ. तो ये डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन अपने में लगातार चल रही है, हर पल हर क्षण चल रही है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि, है ना, मैं अपने में देख पा रहा हूँ मेरे में जो नीड है टाइम वाइज वो भी कंटिन्यूअस है, और मेरे में जो एक्टिविटी चल रही है वो भी कंटिन्यूअस है, ये रुकती नहीं है. देखने की जरूरत है, वेरीफाई करने की जरूरत है कि मेरे में डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन ये रुक रुक के चल रहा है या लगातार चल रहा है. इसको एक्सप्लोर करें, ये भी देखें कि शरीर में जो क्रिया चल रही है वो रुक रुक के चल रही है या लगातार चल रही है. तो मैं, है ना, चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन ये सब चलना, खाना पीना, बोलना, ये सब लगातार चल रहा है या रुक रुक के चल रहा है, आवश्यकता अनुसार चल रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है. क्योंकि दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इन दोनों में ये सारे पैरामीटर्स पर देखेंगे तो अलग अलग, दोनों बिल्कुल क्लियर कट अलग अलग पैरामीटर्स दिखाई पड़ेंगे. इस तरह से अपने में स्टेबिलिटी बनेगी, एक है ना, इस चीज को स्टेबल कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ ठीक है, सच बात है, नीड वाइज बिल्कुल अलग अलग दोनों की आवश्यकताएं, एक्टिविटी वाइज बिल्कुल अलग अलग, फुलफिलमेंट वाइज बिल्कुल अलग अलग, ये अपने को दिखाई पड़ेगा तो अपने में, है ना, इस बात का कॉन्फिडेंस आएगा कि दोनों में मर्जिंग की, है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों ही अलग अलग आवश्यकताएं हैं, दोनों को अलग अलग समझा जा सकता है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया जा सकता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू, है ना,
पॉन्डर ऑन दिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था है अपने को समझने के बारे में, कि मैं अपने को देख पाऊँ, अपने शरीर को देख पाऊँ, दोनों के सहअस्तित्व को, कोएग्जिस्टेंस को देख पाऊँ, ये भी देख पाऊँ कि ये दोनों है ना कोएग्जिस्टेंस में रहते हुए भी रेगुलेट कौन कर रहा है, मैं शरीर को रेगुलेट कर रहा हूँ या शरीर मुझे रेगुलेट कर रहा है, तो कौन है जो डिसीजन मेकिंग स्टेट में है ना, निर्णय किसका है, तो ये निर्णय को अगर देखें तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, शरीर से कुछ इनपुट्स जरूर आ रहे हैं है ना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये इनपुट फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है, शरीर इसमें सहयोगी हो रहा है, लेकिन मुझे जो भी बोला हुआ है क्या बोलना है मैं अपने आप में डिसाइड करके आप तक पहुंचा रही हूँ, आप में भी पूरी चॉइस है, आपके पास भी पूरा ऑप्शन है क्या सुनना है ना, तो आपको जहां लगता है ये इम्पोर्टेंट है वहां वो बात सुन पाते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, जहां लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है उसको स्किप कर देते हैं, सो दिस चॉइस इज देयर विद यू है ना। तो इसके साथ में मैं देख पा रही हूँ मेरे साथ लगातार ये इच्छा विचार आशा चल रही है, मेरे में निर्णय लेने की ये कैपेसिटी है, मैं हूँ, शरीर भी है, दोनों सहस्तित्व में है। एक और पैरामीटर को देखने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स भी मेरा और शरीर का दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, अगर मैं अपने रिस्पॉन्स को देखूं तो और शरीर के रिस्पॉन्स को देखूं और दोनों में एक बार है ना एक तुलना करने की कोशिश करूं कि दोनों ही एक जैसा रिस्पॉन्स है या अलग अलग है। जैसे अगर ध्यान से देखें तो शरीर क्योंकि एक फिजिको केमिकल यूनिट है, एक फिजिको केमिकल चीज से बनी हुई है ना शरीर है, एक यूनिट है, तो ये टेम्परेरी है, फिजिको केमिकल है, इसलिए इसमें दो रिस्पॉन्सेस अपने को दिखाई पड़ते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है और फुलफिल करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं तो अगर एक नीडल लें जो पॉइंटेड है और अपने शरीर के साथ उस नीडल को है ना उसका कॉन्टैक्ट कराएं, तो अपने में देख पाएंगे हम लोग उसको देख पाते हैं कि जो शरीर के साथ नीडल का जो रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट है वो निश्चित है। कैसे निश्चित है कि अगर नीडल पॉइंटेड होगी है ना और अपने आप में हार्ड होगी शरीर से तो वो पियर्स कर जाएगी, इन कर जाएगी। अगर वाइस वर्सा है ना, नीडल अगर बहुत सॉफ्ट हुई है ना या ब्लंट हुई तो वो है ना शरीर में पियर्स नहीं कर पाएगी। ये रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट बदल नहीं रहा है, ये फिक्स है, ये निश्चित है। तो पहचानना, निर्वाह करना, ये शरीर स्तर पर एकदम निश्चित है, ये समय के साथ, जगह के साथ, व्यक्ति के साथ बदलता नहीं, तो ये एकदम निश्चितता नजर आती है, दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी एक एग्जाम्पल को मैं अपने में अगर जाकर के देखूं है ना, तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे में सिर्फ ये पहचानना निर्वाह करना नहीं चल रहा है, मैं जो एक वास्तविकता हूँ मुझमें भी पहचानना निर्वाह करना चल तो रहा है, लेकिन मात्र पहचानना निर्वाह करना ही चल रहा है या इसके अलावा भी मेरे में कुछ और रिस्पॉन्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, वो अपने में देखना बनता है। तो इसीलिए उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूंगी आपके है ना और अपने समझने की दृष्टि से। तो वही सुई और वही है ना शरीर, बॉडी, जब मैं इस बॉडी में इस सुई को है ना पेनिट्रेट कराने के लिए एक अजम्पशन के साथ, एक मान्यता के साथ, एक है ना व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करती हूँ जिसको मैंने ये माना कि वो डॉक्टर है, तो क्योंकि मुझे बीमारी हुई, मैं परेशान हुई, मुझे हेल्थ वाइज कुछ जरूरत पड़ी, तो मैं एक अजम्पशन के साथ एक बोर्ड देख करके जाती हूँ, एक डॉक्टर को मान करके कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पहुंच करके और सोचती हूँ कि उससे ट्रीट करा लूं है ना, क्योंकि मैंने ये इसको माना है और उसके बाहर लगे हुए बोर्ड से और उसकी ड्रेसअप से मुझे ये दिखाई पड़ता है कि वो डॉक्टर है और मुझे इस इंजेक्शन को ले लेना है क्योंकि मेरे लिए, मेरे शरीर के स्वास्थ्य में ये इंजेक्शन मेरे लिए फुलफिलिंग होगा, मेरे लिए है ना वैल्यूएबल है, ये मान करके मैं डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करके इंजेक्शन देने के लिए तैयार होती हूँ। इसको ध्यान देने की जरूरत है कि उसी बीच में अगर somehow मुझे एक रेफरेंस ऐसा मिल जाए, कोई व्यक्ति वहां से ये कहता हुआ निकल जाए है ना कि क्या है ना बेवकूफी कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है तुम किससे सुई लेने जा रहे हो है ना, ये पागल है, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं। अभी आप सोच करके देखिए, मैंने माना था उसको डॉक्टर है ना और ये इतना कॉम्पिटेंट कि वो मुझे मेरे बॉडी को ट्रीट कर देगा, मुझे हेल्प करेगा, लेकिन तुरंत ही ये मान्यता मेरी बदल गई एक रेफरेंस के साथ, एक एक्सटर्नल रेफरेंस के साथ जिसमें उसने कोट किया कि क्या करने जा रहे हो,
तुरंत मैं अलर्ट हुआ कि अरे अगर ये पागल है, अगर ये डॉक्टर नहीं है तो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, और इसलिए मैंने तुरंत अपने को है ना स्क्वीज किया और रिफ्यूज किया कि नहीं नहीं अब ये नीडल मुझे आपसे नहीं एक्सेप्टेबल है। ध्यान देने की जरूरत है, नीडल का रिस्पॉन्स शरीर के साथ वो डॉक्टर लगा रहा है या वो कोई और व्यक्ति लगा रहा है, नीडल के रिस्पॉन्स में फर्क नहीं आ रहा। फर्क कहाँ आ रहा है? मेरे मानने के हिसाब से मेरे रिस्पॉन्स में फर्क आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये योग्य व्यक्ति है, डॉक्टर है, मैं उसके साथ शरीर के साथ है ना इस रूप में उस नीडल का इंटरेक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये देख पाता हूँ कि नहीं नहीं ये व्यक्ति है ना इस तरह से अगर नीडल को मेरे शरीर में पियर्स कराएगा तो मुझे खतरा है, तो मैं अटेंटिव हो जाता हूँ। तो इस तरीके से है ना मैं अपने लिए अलर्ट होकर के तुरंत रिफ्यूज करता हूँ। लेकिन तुरंत ही एक और मानना, एक और एग्जाम्पशन, अभी तुरंत एक कंपाउंडर या नर्स आए और डॉक्टर को अपोलॉजी फील करे और बोले डॉक्टर साहब सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज है ना ये सामान है इससे आप इसको इंजेक्ट करिए, मैं तब तक देखती हूँ बगल वाला पेशेंट है ना बाय मिस्टेक छूट गया है और बार बार सबकी खिड़कियों पे जाके इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। अभी क्या हुआ इस वाली स्थिति में, मेरा एक मानना जो डॉक्टर माना था, फिर दूसरा मानना जो मैंने पागल मान लिया, अभी फिर से ये मानना चेंज हुआ। लेकिन ये जितना मानना चेंज हो रहा है इसमें रेफरेंस जो है वो बाहर है, एक्सटर्नल है बार बार। तो एजम्पशन बेस्ड जब भी मैं जीता हूँ मेरे डिसीजंस बाहर से इन्फ्लुएंस रहते हैं, इसलिए बार बार वो चेंज होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस चेंज डिसीजन के साथ मेरा इंटरेक्शन, मेरा पहचानना, निर्वाह करना, ये बार बार बदलता रहता है। इसी को अगर देखें कि एक बार जानना हो जाए, नोइंग हो जाए, नोइंग का मतलब मैं ठीक ठीक जो रियलिटी है, जो व्यवस्था है, उसको एक बार ठीक ठीक देख पाऊं। जब मैं ठीक ठीक देख पाता हूँ तो फिर मानने में रेगुलेशन हो जाता है, फिर मैं चीजों को ठीक ठीक मान पाता हूँ और पहचान निर्वाह कर पाता हूँ। अब मेरे में अपने में ये कैपेसिटी हो जाती है, ये अथॉरिटी हो जाती है नोइंग के साथ कि मैं देख पाता हूँ है ना क्या ठीक है, क्या सही है, क्या व्यवस्था है ना, और मैं आराम से जो भी नहीं ठीक है, अव्यवस्था है, नहीं सही है, उसको फिल्टर कर पाता हूँ। अब एजम्पशन बेस्ड जीना नहीं है, अब बाहर का रेफरेंस नहीं है। सो दिस नोइंग ये इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन के है ना सही रिस्पॉन्ड करने में या कह सकते हैं सही निर्णय लेने में। तो मेरे में कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं रिस्पॉन्स के फॉर्म में, शरीर में भी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं रिस्पॉन्स के फॉर्म में। अगर मैं इसको तुलना करूं तो शरीर में है ना पिछली वाली स्लाइड ही अभी दो मिनट के लिए रख दीजिए, पिछली वाली स्लाइड प्लीज, दैट वन प्रीवियस वन, पहला वाला भैया आगे ले जाने, तो आई नीड अर्लियर वन, पहला आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी बैक स्क्रॉल करेंगे जी, और एक और हाँ ठीक है बिल्कुल बढ़िया। तो अभी देखें अगर तो शरीर के स्तर पर पहचानना निर्वाह करना ये फिक्स है, समय के साथ जगह के साथ व्यक्ति के साथ बदलता नहीं, सुई और शरीर का रिस्पॉन्स है ना बदल नहीं रहा, पहचानना निर्वाह करना बदल नहीं रहा, ये अपने को दिख रहा है। लेकिन मेरा अपना पहचानना निर्वाह करना ये मेरे मानने और जानने ये दोनों स्थितियों पर डिपेंड करता है। मानने के साथ मेरा पहचानना निर्वाह करना बार बार बदलता रहता है ना, क्योंकि ये रेफरेंस मानना मेरा जो बाहरी है एक्सटर्नल रेफरेंस है वो जैसे ही चेंज होगा है ना मेरा रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट बदल जाता है, जबकि जानने में उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो मैं एक बार समझ गया, अथॉरिटी मेरे पास हो गई, रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो गया, अब एक्सटर्नल कितने भी रेफरेंसेस आए मेरे कॉन्फिडेंस में कोई शेकिंग नहीं। तो इस केस में मैं कॉन्फिडेंटली है ना रिकॉग्नाइज फुलफिल कर पाता हूँ, एश्योरेंस के साथ रिकॉग्नाइज फुलफिल कर पाता हूँ, चीजों को ठीक ठीक देख पाता हूँ, निर्वाह कर पाता हूँ। जी नेक्स्ट स्लाइड अभी कर दूँ। तो हम लोग ये मानना और जानना ये दोनों ही रिस्पॉन्सेस को एक सेल्फ में, ह्यूमन सेल्फ में ठीक से है ना अपने इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे में ये चार रिस्पॉन्सेस नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। लेकिन सिचुएशन अगर सिर्फ एजम्पशन तक है, अगर मेरी नोइंग फैसिलिटेट नहीं हो पाई, कहीं कुछ एजुकेशन सिस्टम में कहीं कुछ गैप बना, क्योंकि एजुकेशन का ही काम है कि वो ये नोइंग को फैसिलिटेट कर दे, लेकिन नोइंग अगर इनकम्प्लीट रही तो जीना तो मुझे है ही, रिकॉग्नाइज फुलफिल तो मुझे करना ही है, बाय डिफॉल्ट मैं कर ही रहा हूँ
हर क्षण हर पल जी रहा हूँ, ये मेरा जीना assumption के साथ फिर somehow है ना उसके पीछे वाली क्रिया के साथ ही बना रहता है, उसके रिस्पॉन्स के साथ ही बना रहता है। तो मैं अगर जानना नहीं हो पाया तो मेरे पास कोई चारा नहीं है अदर देन माननी, इस मानना के साथ फिर मैं ऑपरेट करता रहता हूँ। और मानना के साथ ऑपरेट करना प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेटनेस नहीं है, है ना, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो एक बार है ना मानना बदला, मानने का बहुत सारा आधार हो सकता है, बहुत सारा सिस्टम बिलीफ हो सकता है। तो मैंने एक बिलीफ के साथ ऑपरेट होकर के कुछ मान रखा था किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे अगर अभी देखें ध्यान से तो हम लोग बहुत सारे मानना बेसिस पर ऑपरेट करते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम से, किसी लैंग्वेज से, है ना, या ना किसी के किसी तरह के रिचुअल परफॉर्म करने से उसको कुछ मान लेते हैं, और कुछ मान करके उसके साथ फिर एक इंटरेक्शन करते हैं। उस इंटरेक्शन में अगर उसका मानना मेरे मानने से मैच करता है तो मुझे लगता है ये अपना आदमी है, अपने जैसा है। अगर उसके उस इंटरेक्शन में मेरे मानने और उसके मानने में कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो मैं उसको ये मान लेता हूँ कि इसका मानना अलग है इसलिए ये व्यक्ति भी मुझसे अलग है, इसलिए इसके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, इसके साथ ठीक से जिया नहीं जा सकता। तो समहाउ मैं कुछ ऐसे कंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी मानना बेसिस पर ऑपरेट हो रहा हूँ। और अगर अभी आप देखें ना, जितना कास्ट, क्रीड और जितना इस तरह का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये मानना बेसिस पर हमने कुछ मान रखा है। ह्यूमन को भी राधर हमने कुछ मान रखा है ना, संबंध को भी हमने कुछ मान रखा है और इस मानना बेसिस पर ऑपरेट हो रहे हैं। कभी रुक करके क्वेश्चन नहीं करते अपने से कि एक्चुअली ये मानना ही बिल्कुल है ना ठीक बात है, अगर ठीक बात होती तो क्लैश क्यों है फिर? अगर ये मानना ही एब्सोल्यूट है, सही रेफरेंस है, तो मेरे मानने और आपके मानने में क्लैश क्यों आ रहा है? तो ये पूछने की जरूरत है, ये रुकने की जरूरत है, इस पर पॉज देने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिलीफ सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं? तो इसको पूछने की जरूरत है। तो अपने से जब पूछते हैं तो फिर दिखाई पड़ता है, अच्छा ठीक है तो फिर रियलिटी क्या है? तो फिर जानने की तरफ मन बनता है। तो जानने की तरफ मन बनता है तो फिर हम अब इस नोइंग की तरफ है ना बढ़ते हैं। तो नोइंग का मतलब है ठीक ठीक रियलिटी को जान लेना, जो व्यवस्था है उसको देख लेना, जो सही है उसको देख लेना, इसकी तरफ अपना मन बनता है। तो अब हम एक ह्यूमन की व्यवस्था को अगर देखें तो हम हर ह्यूमन को अगर नोइंग बेसिस पर देखें तो मुझे हर ह्यूमन डेफिनेट रूप से सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस नजर आता है, मुझे दिखाई पड़ता है कि मैं भी सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस हूँ और दूसरा भी ह्यूमन सेल्फ और बॉडी का ही कोएग्जिस्टेंस है। इस कोएग्जिस्टेंस में बॉडी की नीड बिल्कुल अलग है, सेल्फ की नीड बिल्कुल अलग है। बॉडी की नीड टेम्परेरी है, बॉडी की नीड क्वांटिफाई की जा सकती है, मेरी भी और उसकी भी, दूसरे की भी। सेल्फ की मेरी नीड है ना कंटिन्यूअस है, क्वालिटेटिव है, सही समझ के साथ, सही भाव के साथ ही निर्वाह किया जा सकता है, ये अपने में क्लैरिटी बनती है। इसी तरह से दूसरे के भी है ना सेल्फ को देख पाता हूँ, ये भी देख पाता हूँ कि जब तक वो बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है तब तक मानना बेसिस पर ऑपरेशन हो रहा है, तब तक उसका पहचानना निर्वाह करना ऐसे ही इनडेफिनेट रहेगा। मैं आश्वस्त हो पाता हूँ इस बात के लिए कि अगर वो भी देख पाएगा, सही को देख पाएगा है ना, तो उसको फैसिलिटेट करता हूँ, सहयोग करता हूँ कि सही को देख पाएगा, व्यवस्था को देख पाएगा, एजम्पशन से ऊपर के अपने रिस्पॉन्स में जो एक मानवीय रिस्पॉन्स है, ह्यूमन रिस्पॉन्स है जिसको कहेंगे नोइंग बेस्ड, अगर वो एजम्पशन रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट कर पाएगा तो वो रिजॉल्व होकर के समाधानित होकर के जी पाएगा। समाधानित होकर के जीने का मतलब कह रहे हैं डेफिनेट कंडक्ट के साथ जीना। अब मेरे में बार बार शिफ्ट नहीं होगा, तो मैं किसी को ये मानू किसी ह्यूमन को और किसी ह्यूमन को वो मानू, किसी को अपना मानू किसी को पराया मानू, ये मेरे जैसा है ना वो डिफरेंट है, इसके साथ क्लैश है, उसके साथ दोस्ती है, इससे ये सारा एजम्पशन बेस्ड जो मेरी मान्यता थी, जो बिलीव बेस्ड थी, जिसके लिए मैं कंडीशन था, अब जैसे ही मुझे एक व्यवस्था का पता लगा कि हर ह्यूमन सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, इस व्यवस्था के साथ ही इतनी क्लैरिटी बन जाती है और हर सेल्फ समझना चाहता है, समझ करके सही भाव के साथ सुखी हो सकता है। जैसे ऐसा दिखता है, ये समाधान कह रहे हैं इसको, रेजोल्यूशन कह रहे हैं, अपने में एक बार दिखना बनता है, अपने में एक बार रिफ्लेक्ट होता है, तो दूसरे में भी है ना इसके लिए प्रयास बनता है। यहाँ पर एक पोल ले सकते हैं मैम? बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बिल्कुल फ्लोट कर दीजिए भैया पोल यहाँ पर। एक पॉज है ना देने की जरूरत है, एक रिफ्लेक्शन देने की जरूरत है।
is it correct to say that our problems are due to assuming without knowing? तो एक तरह से अपने में एक है ना बात को स्टेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन है कि क्या ये कहना ठीक है कि अभी जितनी समस्या चल रही है वो क्योंकि हमने कुछ मान रखा है ना, इस वजह से ही ये सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जानना पूरा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि जानना फैसिलिटेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सही को वास्तविकता को है ना उसकी समझ नहीं बनी है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, मुझे लगता है या नहीं लगता है। हमारे पास दो चॉइस हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, अपने में पॉज दे करके देख सकते हैं कि मानना जो अपने आप में रिस्पॉन्स का एक लेवल है, लेकिन मैं ह्यूमन के तौर पे इस मानना के साथ में अपने आप में कॉन्फिडेंट होता हूँ, अपने आप में है ना समस्या से फ्री होता हूँ, आराम में आता हूँ, हारमोनियसली जीता हूँ, या फिर नोइंग के साथ हारमोनियसली जीने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेस के साथ 95% लोगों का इस तरह का देखना हो पा रहा है ना। मैं इस नेचुरल समझ को, इस नेचुरल इननेटनेस को है ना रिगार्ड देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम सभी सही समझ को बहुत आराम से, बहुत एफर्टलेसली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि ठीक बात है, ज्यादातर प्रॉब्लम इसलिए हैं क्योंकि हमने अभी कुछ मान करके ऑपरेट होना, रिकॉग्नाइज करके करना है ना अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लिविंग में उसको प्लेस दे रखा है। तो जानने के साथ में बहुत सारी संभावना दिख रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, और जानना हो कैसे पाएगा, समाधान हो कैसे पाएगा, इसके लिए जो टूल है यानी समस्या से समाधान की तरफ शिफ्ट होने के लिए, वो एकमात्र टूल दिखाई पड़ रहा है एजुकेशन संस्कार का। एजुकेशन का मतलब समझना, समझना सही समझना, सही समझना मतलब चार लेवल्स की व्यवस्था को समझना, पूरे को समझना है ना, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है क्योंकि उससे कम में जीना नहीं। संस्कार का मतलब कह रहे हैं समझने के साथ फिर मेरा जीना हो जाए, तो ऐसा कमिटमेंट बन जाए, ऐसी निष्ठा बन जाए, ऐसी प्रेरणा बन जाए कि अब तो मुझे तो सही समझ के साथ, व्यवस्था के साथ जीना है, क्योंकि यही है ना सुख देती है। जितना जितना मैं मानना से ऑपरेट होता रहता हूँ, अव्यवस्थित होकर के है ना, इनडेफिनेट होकर के रिकॉग्नाइज फुलफिल करता हूँ, और ये अव्यवस्थित अनिश्चित है ना रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट, ये मुझे ही परेशान करता है, क्योंकि मैं समझ करके व्यवस्थित होकर के रिकॉग्नाइज फुलफिल करना चाहता हूँ। अपने से पूछ करके देखें, ना समझी के साथ जीना चाहते हैं, अव्यवस्थित होकर के, अस्त व्यस्त होकर के जीना चाहते हैं, या समझदारी के साथ है ना व्यवस्थित होकर के बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ जीना चाहते हैं। तो हमें अपने में ही दिखाई पड़ेगा, जितेंद्र भैया बोल रहे थे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये मेरे अपने अंदर है, ये जो दुख का कारण है ये मेरे अपने अंदर है। तो सुख अपने आप में मुझे दिख जाए, सुख का मतलब मुझे ये दिख जाए कि मेरी स्थिति और परिस्थिति, यानी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, और जैसा मैं चाहता हूँ है ना वैसा ही मैं कर पा रहा हूँ, वैसा ही मुझे बाहर भी वातावरण भी मिल रहा है, ये कहेंगे मेरे सुख की स्थिति है। तो मेरे अपने देखने, समझने, करने में है ना ये एक व्यवस्था हो जाए, बाहर व्यवस्था हो जाए, ये पूरा प्रयास बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये मेरे सुख की स्थिति है, ये नोइंग है, ये डेफिनेट कंडक्ट की तरफ मेरा है ना एक प्रोग्रेस है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इन नटशेल में अगर मैं कंक्लूड करूं आज की पूरी बात को, तो हम लोग एक व्यवस्था को समझने का काम कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था को समझने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब खुद समझदार हो जाएंगे, अपने को समझ लेंगे, तभी हम बड़ी व्यवस्था में ठीक से, समझदारी से, व्यवस्थित होकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। खुद में क्योस है, खुद में डिस्टर्बेंस है, खुद अपने आप को मानना बेसिस पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ी व्यवस्था में बहुत सारे क्योस की पॉसिबिलिटीज अभी हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं ना। तो अगर देखें अपनी व्यवस्था को समझने का, तो मैं भी हूँ, शरीर भी है, मैं और शरीर ये दोनों ही सह अस्तित्व में है, दोनों साथ साथ हैं, को एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये है ना मान लेने के बजाय मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। मुझे ये तो दिख रहा है मैं भी हूँ, शरीर भी है मुझे ये, लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैं कुछ पैरामीटर्स चाहता हूँ। तो पैरामीटर्स के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी आवश्यकताएं, मेरी क्रियाएं और मेरे रिस्पॉन्सेस ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की क्रियाएं और शरीर के रिस्पॉन्सेस ये काफी अलग हैं। तो ये सारे जो है ना ये पूरे डिफरेंसेस को मैं ठीक ठीक जब देख पाता हूँ, तो मैं कंक्लूड कर पाता हूँ कि मैं एक चैतन्य इकाई हूँ है ना, और शरीर एक मटेरियल यूनिट है। मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, चैतन्य इकाई कहने का मतलब मैं अवेयरनेस के साथ पूरी व्यवस्था को देख सकता हूँ, देख करके सही को देख के सही निर्णय ले सकता हूँ है ना। तो अभी देखें
अपने में अपनी जो नीड है वो दिखाई पड़ रही है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की है, और ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस ये एक्चुअली अवेयरनेस के साथ पॉसिबल है। मैं पूरी व्यवस्था को देख पाऊंगा तभी कंटिन्यूटी में हैप्पी हो पाऊंगा, सुखी हो पाऊंगा। एक भी व्यवस्था को नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, नहीं समझ कर पार्टिसिपेट कर पाया, वही है ना मेरे लिए दुख की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो अव्यवस्था ही, वो अव्यवस्था की है ना स्थिति ही मेरे अपने दुख का कारण। इसलिए अगर मैं प्रोग्राम बनाऊं तो सही समझ और सही भाव अपने में इंश्योर हो जाए, यही मुझे अपने लिए प्रोग्राम दिखता है, जिसको कह रहे हैं कि यही एक्टिविटीज हैं अपने में। अपने में देखें तो हर समय ये डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन आप देख ही पाते हैं, हमेशा चल रहा होता है। सही समझना चाहते हैं, है ना, सही समझ करके, सही सीख करके सही जीना चाहते हैं। तो अपने में ये एक्टिविटीज और अपनी ये कॉन्शियसनेस को है ना अपने में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नीड ऑफ कॉन्शियसनेस इज फुलफिल्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैं जितना जितना अवेयर होता जाता हूँ अपनी क्रियाओं में, क्रियाओं का मतलब है डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन में, कि मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या मेरी इच्छा है, क्या उससे रिलेटेड है ना प्रोग्राम हो सकता है, क्या उसमें सहयोग मिल सकता है वातावरण से। जितना जितना मैं इसके लिए अवेयर होता जाता हूँ उतना उतना है ना मैं कहता हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस है ना ये इम्प्रूव हो रही है, मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यही मेरी आवश्यकता है। अगर देखें तो मेरी आवश्यकता इस कॉन्शियसनेस की है, इस अवेयरनेस की है, और इस अवेयरनेस के साथ मैं शरीर को भी है ना ठीक से देख पाता हूँ, जो एक मटेरियल यूनिट है ना, जिसकी आवश्यकताएं निश्चित हैं, क्वांटिफाई की जा सकती हैं, और फिजिको केमिकल चीज से जो नेचर में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है उसको उससे है ना पूरा किया जा सकता है। तो कंक्लूड कर पाते हैं आराम से कि मैं है ना एक कॉन्शियस यूनिट हूँ और शरीर एक मटीरियल यूनिट है ना, शरीर मटीरियल यूनिट, मैं कॉन्शियस यूनिट, लेकिन शरीर और मैं दोनों ही सह अस्तित्व में हैं, दोनों के बीच में है ना कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, शरीर से मुझे कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, मैं अपने में कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, निष्कर्ष के बेसिस पर शरीर को फिर से कुछ है ना इंडिकेशन देता हूँ, कुछ गाइडलाइन देता हूँ, शरीर उसको ऑपरेट करता है, मुझे फिर से है ना कुछ सूचना के फॉर्म में इंडिकेट कर देता है, संवेदना के फॉर्म में मुझे मुझ तक पहुंचा देता है, और फिर जब वो मुझे रिकॉर्ड होता है, मैं उसको जब देख पाता हूँ, मैं निष्कर्ष निकाल पाता हूँ, तब मैं सुखी और दुखी होता हूँ। अगर मेरी चाहना के अनुरूप हुआ है ना जो भी मैंने समझा और जो ऑपरेट किया, मेरी चाहना से मैच खाया, तो मैं कहता हूँ मैं सुखी हुआ। मेरी चाहना के अनुरूप नहीं हुआ, मेरे समझने में कहीं चूक की वजह से, मेरे प्रोग्रामिंग में कहीं चूक की वजह से, जिसमें शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मटीरियल है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, तो फिर मैं देख पाता हूँ कि मैं है ना सुखी और दुखी होने की स्थिति में हूँ। तो सुख और दुख मेरी अपनी स्थिति है, शरीर उसमें एक मटीरियल यूनिट की तरह मुझे है ना एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मुझे सहयोग कर रहा है। मैं शरीर को भी ठीक ठीक प्लेस कर पाऊँ इसका भी ध्यान रख पाऊँ, मैं अपने को भी ठीक ठीक प्लेस कर पाऊँ अपना भी ध्यान रख पाऊँ, है ना। तो ये मेरी आवश्यकता बनती है, मैं अपनी व्यवस्था को जैसे जैसे समझ पाता हूँ। तो इतनी बात रखी अभी है ना ह्यूमन बींग को समझते हुए, ह्यूमन बींग की व्यवस्था को समझते हुए।